ओके हेलो। हेलो 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 एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग? सो वी आर बैक टू आर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इकोनॉमिक्स का। हमारा जो पहला चैप्टर था हम लोग वो शुरू कर रहे हैं अब। ठीक है, ध्यान दो, हमारा चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया था हम लोगों ने? बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, याद है तुम लोगों को? ओके सो बाकी लोग अब देख नहीं रहे। ओके आयुष, हेलो आयुष, हेलो वैष्णवी। ओके तो हम लोगों ने कुछ बेसिक्स देखे थे, नाउ वी आर रीस्टार्टिंग एवरीथिंग। तो मैं एक छोटा सा रिकैप दूंगा तुम लोगों को। ओके वी विल आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल रिकैप एंड देन वी विल गो अहेड। हम लोगों ने देख लिया था बेसिक्स और डिमांड एंड सप्लाई में, हमने कुछ इकोनॉमिक्स की बातें की थी। ठीक है, हम लोगों ने देखा था इकोनॉमिक्स आया कैसे, हमने क्या देखा था बच्चों की इकोनॉमिक्स आया कैसे, तो इकोनॉमिक्स कैसे आया था, तो कुछ अंकल लोगों ने क्या किया, कुछ अंकल लोगों ने क्या किया, एक हाउस होल्ड में एक आंटी के पास देखा और उस आंटी को देख के उन्होंने ये सोचा कि ये आंटी अपनी लिमिटेड रिसोर्सेस, ये आंटी अपनी लिमिटेड रिसोर्सेस जो है, लिमिटेड रिसोर्सेस उसका मल्टीपल यूजेस होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस होती है आंटी के पास, उस रिसोर्सेस के मल्टीपल यूजेस होते हैं, तो हाउ डज दिस आंटी डिसाइड, दे स्टडीड दैट। ओके ठीक है, कि ये आंटी के जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ये आंटी कैसे इनका इस्तेमाल करती है मल्टीपल यूजर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट रिसोर्स इज मनी। ठीक है, ये आंटी की जो फैमिली इनकम है, फैमिली इनकम मतलब आंटी अंकल सब लोग मिलके सपोज कमाते हैं 50,000 रुपीज पर मंथ, बट इनका खर्चा ऑब्वियसली 50,000 से ज्यादा है, ऑब्वियसली होता है। ठीक है, अभी इनके पास एक घर है जिसका इन्हें सपोज खुद का घर नहीं है, तो इन्हें रेंट पे करना पड़ता है, लाइट बिल पे करना पड़ता है, बच्चों की स्कूल फीस पे करनी पड़ती है। ठीक है, इनकी इच्छा है, स्मार्ट परफॉर्मेंस स्कैन कंप्लीटेड डिसमिस, इनकी इच्छा है कि अपने लिए एक कार खरीदे, ब्ला ब्ला खरीदे, बहुत सारी चीजें खरीदे। ठीक है, बट इन्हें अभी चूज करना पड़ेगा कि एक कार खरीदे या घर का रेंट भरे। इन्होंने डिसाइड किया हम घर का रेंट नहीं भरेंगे, कार की ईएमआई पे करेंगे। ठीक है, तो कार में रहना पड़ेगा, डोंट फॉरगेट दैट कि तुम्हें कार में रहना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट व्हाट दे वांट, सो दे नीड टू प्रायोरिटाइज, दे नीड टू डू व्हाट, सेट अ प्रायोरिटी। थोड़ा स्पेलिंग वो गाई गाई में, दे नीड टू सेट अ प्रायोरिटी, इन्हें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि हम हमारी इतनी सारी जो नीड्स है या इतनी सारी जो नीड्स है उनमें से किसे सेटिस्फाई करें। इस प्रायोरिटाइजिंग की पढ़ाई की शुरुआत वॉज इकोनॉमिक्स, ये हमने पढ़ा। फिर हमने देखा देर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो एंड माइक्रो, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। मैक्रो का पार्ट भी है हमारे सिलेबस में, माइक्रो का पार्ट भी है, और हमने माइक्रो की शुरुआत कर दी थी। माइक्रो की शुरुआत हम लोगों ने कैसे की थी, तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया था व्हाट इज डिमांड। ठीक है, इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए, इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स बोलता है डिमांड किसी भी चीज की तभी होगी, तब्बिच होगी डिमांड। थैंक यू, किसी ने अभी मैसेज डाला है व्हाट्सएप के ग्रुप पे कि प्लीज ज्वाइन इकोनॉमिक्स का लेक्चर। आई होप धीरे धीरे सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, कैसा है फर्स्ट डे है तो इन लोगों को हैबिट नहीं है, बट ठीक है। सो कमिंग बैक टू माय पॉइंट, डिमांड, हमने देखा था बच्चों की डिमांड तीन चीजों से बनी होती है। मैं कोई चीज खरीदना चाहता हूं तो पहली बात तो ये जो तू, हाँ जो तेरे पास कैपेसिटी होनी चाहिए। तुम्हारे पास कोई चीज खरीदनी है, मुझे कार खरीदनी है 5 लाख रुपए की, तो पहली बात मेरे पास 5 लाख रुपए होने चाहिए। वेरी गुड, मेरे पास 5 लाख रुपए है और मैं कार खरीदना चाहता हूं, मतलब डिजायर टू बाय होना चाहिए। मेरे पास कैपेसिटी है 5 लाख रुपए जेब में, मेरे पास डिजायर टू बाय है, डिजायर टू बाय मतलब मैं कार खरीदना चाहता हूं, बट वो जो कार है मुझे 5 लाख के वर्थ नहीं लग रही। मैंने उस कार को देख के मैंने सोचा कि यार ये 5 लाख की वैल्यू तो इसकी है नहीं, ये इतनी महंगी नहीं मिलनी चाहिए, ये कार 2 लाख रुपए में ठीक है, 3 लाख रुपए में ठीक है, तो आई एम आई आई डिजायर टू बाय, आई विश टू बाय, बट आई डू नॉट विश टू पे दैट मच अमाउंट, सो ऑब्वियसली आई विल नॉट बाय दैट कार। समझा कि नहीं समझा? ऑब्वियसली आई विल नॉट बाय दैट कार, जस्ट गिव मी अ मिनट। भाई साहब व्हाट हैपेंड, एक सेकेंड रुको बच्चों,
आई एम बैक। एक सेकेंड रुको, आई विल बी बैक इन अ सेकेंड। ओके, सो एम आई बैक? आई एम बैक। आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी गाइस? ठीक है, तो ओके, तो कैपेसिटी होनी चाहिए। मैं किसी चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आईफोन खरीदना चाहता हूँ, वेरी गुड, मैं आईफोन खरीदना चाह, अरे मैं गंदी सी कलर आ गई जी, मैं एक आईफोन खरीदना चाहता हूँ, ये आईफोन को खरीदने की मेरी इच्छा भी है, अगर मेरे पास पैसे हो तो मैं उसके लिए 1.5 लाख रुपए पे भी करना चाहता हूँ, बट मेरे पास पैसे नहीं है, समझा? तो बच्चों ये दो चीजें तो बहुत लॉजिकली समझ में आती है। किसी चीज की डिमांड तब होगी जब मुझे खरीदने की, उसे खरीदने की मेरे पास कैपेसिटी भी है, उसे खरीदने की मेरी इच्छा भी है, बट उसकी जो वैल्यू है उतना पे करने की भी मेरी तैयारी होनी चाहिए। तीनों चीजें होंगी तो ही इसे डिमांड बोला जाएगा। ये था हमारा डिमांड का डेफिनेशन। ठीक है, हम लोगों ने ये भी देख लिया था, ठीक है, कैपेसिटी देख ली थी, सब कुछ देख लिया था, फिर हम लॉ ऑफ डिमांड पे चले गए थे। लॉ ऑफ डिमांड मैंने बताया था आप लोगों को, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड दो चीजों के बीच का एक पवित्र रिश्ता हमें बताता है। मेरी लैंग्वेज, एक सेकेंड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड हमें दो चीजों के बीच में एक पवित्र रिश्ता दिखाता है। बच्चों मैंने उस दिन के बाद ये ओपन ही नहीं किया था, तो एक सेकंड के लिए रुक जाओ। ये देखो, लॉ ऑफ डिमांड हमें एक रिलेशनशिप दिखाता है। लॉ ऑफ डिमांड हमें रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन डिमांड एंड प्राइसेस। विच रिश्ता? पवित्र रिश्ता। ये रिश्ता पवित्र रिश्ता वो होता है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हमको अभी तक याद है सब, थैंक यू सो मच आयुष, उस दिन पढ़ा हुआ, थैंक यू वेरी मच, मेरे को बहुत मजा आता है पढ़ाने के लिए और तुम्हारे ऐसे कमेंट्स की वजह से और अच्छा लगता है। सो फटाफट प्लस एक देखो बच्चों, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं बट लेट मी रिवाइज दिस टूडे, क्योंकि हम लोगों का बहुत बड़ा गैप हुआ है। आई नो आपका हो चुका है, आपको याद है, बट एक मौका हमें और मिला है, तो वी विल रिवाइज दिस। थोड़ा स्पीड में जा रहा हूं बट सब कुछ वापस से करवा के देता हूं। ठीक है, तो हमने देखा था लॉ ऑफ डिमांड टेल्स यू अबाउट रिलेशनशिप। वैसे बहुत सारे लॉस तुमने जिंदगी में पढ़े हैं, ये वाला इकोनॉमिक्स का लॉ है, ये वाला इकोनॉमिक्स का लॉ है। वैसे लॉ क्या होते हैं जो जनरली सबको फॉलो करने पड़ते हैं? लॉ सबको फॉलो करने पड़ते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड एक इकोनॉमिक लॉ है, ये मत बोलना, ये कोई लीगल लॉ नहीं है। क्या? ये कोई लीगल लॉ नहीं है, ये एक इकोनॉमिक लॉ है, ये दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। वाओ, मैंने बहुत अच्छे अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया है, बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। लॉ ऑफ डिमांड मैंने बोला बच्चों, ये एक इकोनॉमिक लॉ है और ये दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशनशिप या रिश्ता बताता है। दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन सी बच्चों? व्हाट इज वेरिएबल्स? वेरिएबल वो चीज होती है जो बदलती है, वेरिएबल वो चीज होती है जो बदलती है। ठीक है, जैसे जैसे मम्मी का प्यार, जैसे मम्मी का प्यार, ये एक ही चीज है दुनिया में जो कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलता ना। मम्मी का प्यार कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलेगा, बट आपका प्यार हाँ, आपका प्यार, अगले दिन हमारे मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, मुंबई मुन्ना भाई देखा है? हेलो शिवा, ठीक है। सो आपका प्यार कैसा है? आपका प्यार वेरिएबल है, डिपेंड करता है मूड पे, डिपेंड करता है सामने वाले पे, डिपेंड करता है वो कैसी दिख रही है या कैसा दिख रहा है, डिपेंड करता है उसका रिप्लाई कैसे आया। सो आपका प्यार जो है वो वेरिएबल है। मैं ये नहीं बोल रहा आपका प्यार झूठा है, ना ना ना, आपका प्यार बहुत सच्चा है, बहुत बहुत दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई आपका प्यार है, बट आपका प्यार वेरिएबल है, बदलता है, कभी आपको किसी से ज्यादा प्यार हो जाता है, कभी कम। मम्मी का प्यार कैसा होता है? कांस्टेंट, कभी नहीं बदलता। सो इकोनॉमिक्स में भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो बदलती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो अच्छी है बुरी है, मैं ये बोल रहा हूं कि ये कभी कांस्टेंट नहीं रहती। एंड वो दो चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बदलती है, उसमें से दो चीजों की बात हम अभी करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजें हैं जो बदलती है, जिनमें से दो चीजों की बात करेंगे, वन है डिमांड और टू है प्राइस। सर क्या ये दोनों बदलते रहती है? हाँ, वक्त के साथ, हालात के साथ, मौसम के साथ, सभी के साथ ये बदलती है। वक्त के साथ डिमांड बदलती है, प्राइस बदलती है, हाँ ऑब्वियसली। अभी ठंडी शुरू हो जाएगी तो रेनकोट्स की डिमांड खत्म हो जाएगी। वैसे तो महाराष्ट्र में हमारे यहाँ क्या चल रहा है, आई डोंट नो, कभी भी रेनकोट पहनना पड़ता है, मैं बैग में रेनकोट लेके घूमता हूँ आजकल, समझा यहाँ पे? ठीक है, कभी भी पूरे साल भर इस साल बारिश गिरी है, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अभी ठंडी का सीजन है तो हम लोग ब्लेजर, पुलओवर्स, हम लोग स्वेटशर्ट्स, इनकी डिमांड बढ़ा रहे हैं, जैसी गर्मी आ जाएगी उनकी डिमांड खत्म हो जाएगी। सो डिमांड बदलती है, और डिमांड बदली तो प्राइस भी बदलेगा।
समझा यहाँ पे? ठीक है, जैसे आपको ही ले लो, आपकी बर्थडे के दिन बहुत ज्यादा डिमांड होती है आपकी, और उस दिन आप भाव भी बहुत खाते हो। किसी का अगर फोन आ रहा है आपको, किसी का आपको फोन आ रहा है और आप मिस कर गए वो फोन, उठाना रह गया, तो आप रिप्लाई नहीं करते हो, आज मेरा बर्थडे है, मुझे दोबारा फोन करेगा वो। यही अगर किसी का आपको नॉर्मल डे पे फोन आता है तो आप उस दिन भाव नहीं खाते हो, उस दिन आपको पता है आपकी डिमांड नॉर्मल है तो आपका भाव भी कम रहेगा, समझा? डिमांड भी चेंज होता है अगर प्राइसेस चेंज होंगे तो। परफेक्ट, यस वैष्णवी, लॉ ऑफ डिमांड यही बता रहा है। वंस अगेन, लॉ ऑफ डिमांड टेल्स अस रिलेशन बिटवीन टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स, डिमांड एंड प्राइसेस, बोथ आर वेरिएबल, बोथ आर वेरिएबल, प्राइस भी चेंज होती है, डिमांड भी चेंज होती है, प्राइस भी चेंज होती है, डिमांड भी चेंज होती है, बट क्या इंपॉर्टेंट है, प्राइस जो है, प्राइस प्राइस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्राइस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या? प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। परफेक्ट सर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब मम्मी पापा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब मम्मी पापा। बच्चों मम्मी का प्यार कभी नहीं बदलता, मम्मी का प्यार कांस्टेंट होता है, बट मम्मी का गुस्सा, मम्मी का मूड, पापा का मूड कभी भी बदल जाता है। क्या तुम्हारे कुछ करने के बाद ही पापा का मम्मी का मूड बदलता है? हाँ सर, हमने कुछ गलती की तब तो पक्का बदलता है, बट कभी कभी तो बाहर से आते ही मूड खराब करके आता है। इनको कोई रीजन ही नहीं लगता अपना मूड चेंज करने के लिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनका मूड वेरिएबल है, जब चाहे बदलता है, हम इस पे कंट्रोल नहीं करते। बट याद रखना बच्चों, अगर आपके घर वालों का मूड खराब है, आपके पापा दिन भर कहीं पे बाहर जाके आए, आपकी मम्मी कहीं बाहर जाके आई, कहीं पे उनका बाहर कुछ हो गया, और वो घर में आते ही शांत बैठे हुए हैं फुल गुस्से में, तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, उनका मूड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो जब चाहे अपना मूड बदल सकते हैं। एकदम गुस्से में आके घर में बैठ गए तो इमीडिएटली हम शांत हो जाते हैं, हमने अगर फोन लिया होगा हाथ में तो हम फोन साइड में रख के किताब खोल के बैठते हैं, मतलब हम घर में कैसे बिहेव करेंगे ये पापा मम्मी के मूड पर डिपेंड करता है। तो हमारा मूड भी वेरिएबल है डिमांड की तरह, हमारा मूड भी वेरिएबल है डिमांड की तरह। बट याद रखो, हमारा मूड भले ही वेरिएबल है घर के अंदर, बट हमारा मूड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? वो है हेलो दिव्यांशी, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं था। हमारा मूड जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, घर वालों के मूड पे हमारा मूड डिपेंड करता है। एक बात बताओ, तुम्हारी बात करते हैं, तुम सुनो बच्चों, तुम्हारे घर वाले प्राइस की तरह है, उनका मूड वेरिएबल है बट अपनी मर्जी से बदलता है, तुम्हारे ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता। तुम्हारा मूड डिमांड की तरह है, तुम्हारा मूड कैसा है? डिमांड की तरह है, मतलब तुम्हारा मूड भी बदलता है बट तुम्हारा मूड घर वालों के मूड पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक, ये है डिमांड जो कि है तुम्हारे मूड की तरह, और ये है प्राइस जो कि है पापा के मम्मी के मूड की तरह। ठीक है, तुम्हारा मूड और पापा मम्मी का मूड घर के अंदर। ओके, अब ध्यान दो इधर, अब ध्यान दो इधर। सपोज हमारा एक बहुत प्यारा सा फ्रेंड है मिस्टर एक्स, हमारा फ्रेंड है मिस्टर एक्स, इसका आज हो गया है ब्रेकअप, हमारा फ्रेंड है मिस्टर एक्स, इसका आज क्या हो गया है? ब्रेकअप। और हमारे पापा है, पापा, ठीक है, हमारे पापा है, इनकी आज हो गई है प्रमोशन, या इनको कुछ बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में। मिस्टर एक्स बहुत दुखी है, क्यों? उसका ब्रेकअप हुआ है, उसका मूड बहुत सैड है, बट जैसे ही पापा ने घर में आके खुश खबर दी, इस बेचारे को स्माइल करना पड़ेगा। पापा ने बोला, हम लोग आज बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए, हम डिनर पे बाहर जा रहे हैं, बिकॉज वी विल सेलिब्रेट। पापा ने बोला हम सेलिब्रेट करेंगे, ये बेचारा चुपचाप चला जाएगा, क्योंकि इसका मूड इनके ऊपर डिपेंडेंट है। Yes or no, हमारा ब्रेकअप भी हो जाए ना, हमें घर वालों के हिसाब से जीना पड़ता है। अंडरस्टूड? तो हम डिमांड की तरह, हमारा मूड बदलेगा जैसे जैसे घर में बदलेंगी हालात है, बट पापा मम्मी का मूड किसकी तरह है? प्राइस की तरह। एक और लास्ट एग्जाम्पल, आई नो वी नीड टू गो अहेड, बट प्लीज थोड़ा हंसी मजाक करके पढ़ते हैं, क्योंकि मैं खुद वैसे नहीं पढ़ा सकता प्राइस। ठीक है, अब ध्यान दो यहां पे, अब ध्यान दो यहां पे, अगेन हमारा मिस्टर एक्स, ये आज फर्स्ट आ गया स्कूल में, ये बेचारा स्कूल में आ गया फर्स्ट, सिर्फ 8th स्टैंडर्ड में, बेचारा छोटा सा है, 8th स्टैंडर्ड में फर्स्ट आया। ठीक है, और ये उसके पापा घर में आए मस्त, और घर में आते ही सब पे गुस्सा करने लगे, क्योंकि इसके पापा को आज बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ओए क्या हो गया मेरे पेन को, इसके पापा को आज हुआ है बहुत बड़ा लॉस, हिज पापा इज नॉट फीलिंग वेल, हिज पापा इज नॉट फीलिंग वेल, इनका बिल्कुल मूड भी नहीं है, हंसने का भी मूड नहीं है,
ये बेचारा भी शांत बैठ के पढ़ते बैठेगा, मतलब इनका मूड जो है, इनका मूड, इनका मतलब आप पापा से ऊपर प्राइस पे चले जाओ, इनका मूड जो है या ये जो प्राइस है, प्राइस अपनी मर्जी से बदलती रहेगी, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू सेलर्स। हम उनकी बात बहुत लेट करेंगे, बट प्राइस कैसा है बच्चों, इनडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। जब इसकी मर्जी आएगी ये बदल जाएगा, इसने बोला मेरे को बदलने का है तो मेरे को बदलने का है, इनडिपेंडेंट, ठीक है। फिर ये हमारी डिमांड जो है, डिमांड, डिमांड क्या है, डिपेंडेंट। प्राइस बदला, डिमांड बोलेगा मैं भी बदलूंगा, प्राइस बदला डिमांड भी बदलेगा। ओके, सो ये हम लोगों ने देख लिया था बच्चों यहाँ पे, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स, प्राइस एंड डिमांड, जिसमें प्राइस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिमांड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। प्राइस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब प्राइस अपनी मर्जी से बदलेगा, डिमांड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब प्राइस डिमांड बदलेगी जब प्राइस बदलेगी, डिमांड अपनी मर्जी से नहीं बदलता। बट सर दोनों वेरिएबल है मतलब दोनों बदलते हैं। अब सर इनमें रिश्ता तो है, और हम बाजू वाली आंटी जैसी होती है हमारे घर के बाजू वाली आंटी, वैसा हम भी जानना चाहते हैं सर इनमें रिश्ता क्या होता है। हाँ या ना, क्या बाजू वाली आंटी को इंटरेस्ट नहीं होता तुम्हारे सारे रिश्तों में? तुम बिल्डिंग के नीचे अपनी एक फ्रेंड के साथ खड़े हो, तुम अपनी बिल्डिंग के नीचे अपनी एक फ्रेंड के साथ मस्त खड़े हो, और आजू बाजू वाली आंटियां आते जाते रहती है। डोंट यू थिंक दे वॉन्ट टू नो कि वो तुम्हारी फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है? ऑब्वियसली दे वॉन्ट टू नो कि इनमें रिश्ता तो है, बट सर कौन सा रिश्ता है? वैसा ही सर आपने हमें बता दिया, लॉ ऑफ डिमांड एक रिश्ता है, बट हम तो बाजू वाली आंटी की तरह जानना चाहते हैं कि इनमें कौन सा रिश्ता है। इनमें इनवर्स रिश्ता है। इनवर्स मतलब, इनवर्स मतलब सर इनमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता नहीं है, इनमें भाई बहन का रिश्ता है, क्योंकि भाई बहन हमेशा अपोजिट होते हैं। बहन बोलेगी येस तो भाई बोलेगा नो, भाई बोलेगा येस तो बहन बोलेगी नो। समझा कि नहीं समझा? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी अपोजिट होते हैं, बट दुनिया को तो दिखाते ना कि हम एक है, समझा? तो इनमें भाई बहन वाला रिश्ता है, एक इधर मुंह करके बैठेगा तो दूसरा उधर मुंह करके बैठेगा, मतलब देर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन, देर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा, और दूसरा ऊपर जाएगा तो सॉरी, और दूसरा नीचे, पहला नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर आएगा, समझा? हमेशा याद रखना प्राइस पे डिपेंड करता है। प्राइस ऊपर जाएगी डिमांड अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा नीचे, प्राइस नीचे आएगी तो डिमांड ऊपर जाएगा। समझा यहाँ पे? समझा? ये मैंने लिख के दिया था कि प्राइस नीचे जाएगी तो डिमांड, बेटा एक बात याद रखना, पहले इसको देखना, इसको 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 देखना, प्राइस नीचे आएगी तो डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर जाएगी तो डिमांड नीचे। बहुत सिंपल लॉजिक है ये, इसमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा कॉमर्स वाला दिमाग भी लगा देंगे तो समझ जाएगा, थोड़ा इंसानों वाला दिमाग भी लगा दोगे समझेगा। इंसानों वाला दिमाग मतलब हमारा मारवाड़ियों वाला दिमाग। एक सेकेंड रुको, जस्ट गिव मी अ मिनट। एम आई लाइव, एम आई लाइव? हाँ बेटा, हमारा मारवाड़ी वाला दिमाग लगाओ आप। आप हमको मारवाड़ी बोल के गंजूस बोलने की कोशिश करते हो बार बार। कोई मुझे मारवाड़ी बोलते हैं, मैं उसको आई टेक इट एज अ प्राइड, मैं कॉम्प्लीमेंट लेता है। समवन टेल्स मी मारवाड़ी मतलब, अरे यार, समवन टेल्स मी कि तू मारवाड़ी है। गुप्ता जी आप भी मारवाड़ी हो, समझ गया। ठीक है, समवन टेल्स मी मैं मारवाड़ी हूँ, मतलब वो मेरी मजा, वो मेरे मेरी उड़ाने की कोशिश कर रहा है बाय कॉलिंग मी अ कंजूस। अब उसको क्या बताऊं मैं कि जिसको वो कंजूस बोल रहा है वो बंदा एक्चुअली कंजूस नहीं है, वो बंदा एक रैशनल पर्सन है। मारवाड़ीज आर नॉट कंजूस, मारवाड़ीज आर रैशनल। रैशनल मतलब हम सोच समझ के खर्चा करने वाले लोग हैं। हम सोच के खर्चा करते कि यार ये चीज उस वैल्यू की है ही नहीं उतनी की, तो हम क्यों खरीदे? तुमको लगता है हम कंजूस है तो ठीक है, हमें कंजूस बोलो। इकोनॉमिक्स ने हमारी इज्जत की, इकोनॉमिक्स ने बोला तू ही सही है बेटा, सारे मारवाड़ियों को बोला तुम परफेक्ट हो, तुम ही तो सारे इकोनॉमिक लॉस फॉलो करते हो। मारवाड़ीज बहुत इकोनॉमिक लॉस फॉलो करते हैं, तो मारवाड़ीज को इकोनॉमिक्स ने एक नया नाम दे दिया, रैशनल पर्सन। वी आर रैशनल पर्सन मतलब तुम लोग भी हो, तुम बाकी सब भी हो। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला, वैसी की बात है बेटा। ये एक मारवाड़ी कल्पक सर, और ये एक कोई भी अलग इंसान, एनी अदर पर्सन, ये एनी अदर पर्सन, समझा यहाँ पे? ठीक है, कल्पक सर इज मारवाड़ी, मैं किसी और का नाम नहीं ले रहा, किसी मारवाड़ी को दुख हो रहा होगा तो डोंट वरी, मैं खुद मारवाड़ी हूं, समझा यहाँ पे? ठीक है, अब देखो क्या डिफरेंस है। हाँ, तोड़ा कुत्ता टॉमी, साड़ा कुत्ता कुत्ता, ऐसा हो गया ये क्यों? प्लीज ध्यान दो, ये कोई अदर पर्सन है, ये मारवाड़ी है। ठीक है, अब इस मारवाड़ी को तुमने बोला, ए मारवाड़ी मतलब कल्पक सर,
ठीक है मारवाड़ी, मतलब आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, मारवाड़ी बोल रहे तो अच्छी बात है ना, हूं मैं, मेरे को उसमें कुछ बुरा थोड़ी लगता है। सो प्लीज पे अटेंशन। मुझे किसी ने आके बोला कि तेरे को क्या खरीदना है, मैंने बोला यार मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, ना को यार मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ नहीं खरीदना है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए खरीद लेता हूँ, चलो मेरे को तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए, मतलब जो मेरी फ्रेंड है, ठीक है, उसका बर्थडे आ गया तो मुझे उसके लिए खरीदना है एक, क्या खरीदो यार, मेरे को लोगों को गिफ्ट देना नहीं आता, समझा यहाँ पे, ठीक है चलो मैं उसको आईफोन देना चाहता हूँ, यार मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को आईफोन दे दूंगा तो बहुत वांदे हो जाएंगे। ठीक है, अब सेलर ए सेलर बी, सेलर ए बोल रहा है सर ये आईफोन आपको मिलेगा 1 लाख रुपए का, सेलर बी बोल रहा है ये आईफोन आपको मिलेगा 99,000 का। सेलर बी के पास मेरे 1,000 रुपीज सेव हो रहे हैं, सेलर बी के पास मेरे 1,000 रुपीज सेव हो रहे हैं, इसीलिए मैं जाके सेलर बी से ये मोबाइल बाय कर लूंगा। आप बोलोगे कल्पक सर इस कंजूस, मैं बोलूंगा थैंक यू वेरी मच, मेरे 1,000 रुपए बच गए, तुमको जो बोलना है बोलो, गर्लफ्रेंड अपनी है नहीं तो 1,000 रुपए बच गए तो बच गए। ठीक है, अब बात करते हैं अनदर पर्सन की, कोई भी अनदर पर्सन है उसको भी किसी को आईफोन देना है, वो भी सेलर ए के पास जाता है उसको 1 लाख में मिल रहा है, सेलर बी के पास जाता है उसको 99,000 में मिल रहा है। अब ये अनदर पर्सन सेलर बी से लेगा, अपने 1,000 रुपए बचाएगा, बट बिकॉज इज नॉट अ मारवाड़ी यू विल से दिस पर्सन इज अ रैशनल पर्सन, ये होता है भेदभाव, समझा यहाँ पे, ठीक है। तो मारवाड़ी एंड रैशनल इज वन एंड द सेम थिंग, इकोनॉमिक्स ने हमारी इज्जत की और हमें एक नया नाम दिया, रैशनल पर्सन। सो प्लीज पे अटेंशन, दिस वॉज जस्ट अ जोक, बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बाय करने वाला जो होता है वो सस्ते में बाय करने की कोशिश करेगा। मैंने ये भी आप लोगों को समझाया था, मैंने ये भी आप लोगों को समझाया था, देखो कल्पक सर गंजूस मारवाड़ी, ओके कि एक मार्केट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मार्केट दो ही लोगों से बना होता है, बायर और सेलर। मार्केट में जो लड़कियों को देखने के लिए बाहर गाड़ी पे पार्किंग में बैठे हुए लड़के होते हैं वो मार्केट का पार्ट नहीं होते हैं। इकोनॉमिक्स में मार्केट में दो ही लोग होते हैं, बायर और सेलर। बायर आया है चीजें खरीदने के लिए, सेलर आया है चीजें बेचने के लिए। बायर को चाहिए अपनी नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए, जैसे मेरे को किसी की गर्लफ्रेंड को आईफोन देना है तो मेरे को आईफोन चाहिए बस। अब सेम चीज मुझे दो अलग जगह पे अलग अलग प्राइसेस में मिलेगी तो मैं सस्ते वाले से ही खरीदूंगा, मतलब बायर वॉन्ट्स द प्राइसेस टू गो डाउन क्योंकि बायर को पैसे बचाने हैं। सर सेम सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है वो आईफोन में 1 लाख में खरीदू या 99,000 में खरीदू, गर्लफ्रेंड तो मेरी बनने नहीं वाली, वो तो मुझे कुछ मुझे अलग सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है क्या? एक मैं उसको बोलने वाला हूँ क्या ये 1,000 रुपए महंगा वाला खरीदा मैंने? नहीं, उसको तो आईफोन दिखने वाला है। सो बायर्स वांट द प्राइसेस टू गो डाउन, सेलर्स वांट द प्राइस, सेलर्स वांट द प्राइसेस टू गो अप। व्हाई? सेलर्स वहां पे काई के लिए आया है, प्रॉफिट कमाने के लिए। बायर अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आया है, बट वो कोशिश करेगा कम से कम पैसों में उसकी पूरी नीड सेटिस्फाई हो जाए। सेलर वहां पे प्रॉफिट कमाने के लिए आया है, वो कोशिश करेगा उसी प्रोडक्ट पे ज्यादा से ज्यादा कमाए क्योंकि वो खरीद के तो लेके आ चुका है, तो वो उसी प्रोडक्ट पे ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश करेगा। तो सेलर वांट्स प्राइसेस बढ़नी चाहिए, बायर वांट्स प्राइसेस कम होनी चाहिए, समझा? मैंने ये भी बताया था कि ना पुणे में जो एफसी रोड है, सैटरडे संडे के दिन वहां वो पूरा रोड दीदियों से भरा होता है। आपको रोड के अलावा आजू बाजू में देखोगे तो दीदियां ही दीदियां नजर आएगी, ऑल दीदीज, मेरे लिए सब बहनों के समान है, ओके ठीक है, और लड़के भी भाइयों के समान है। ना मेरे को लड़कों में इंटरेस्ट है ना लड़कियों में, मैं खुश हुआ अकेला। प्लीज कुछ गलत मीनिंग मत निकालना, तुम लोग बहुत खतरनाक जनरेशन हो, तुम लोगों के सामने एक चीज बोलो तो दो मीनिंग निकलते हैं। तो लड़कियां दीदी, लड़के भैया, आई डोंट वॉन्ट एनी वन, समझा? ठीक है, सो ध्यान दो इधर, ये दीदी लोग सब भरा पड़ा पड़ता है, क्या भरा पड़ा रहता है? मार्केट। और उनको देखने के लिए वो एक सेलर, सेलर्स भी बहुत सारे होते हैं उस दिन मार्केट में, समझा यहां पे? तो ओनली दीज टू आर अ पार्ट ऑफ, ओनली दीज टू आर अ पार्ट ऑफ वॉट, दीज टू आर अ पार्ट ऑफ मार्केट। तो मार्केट में दो ही तरीके के लोग आते हैं, यहां तक हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। बायर्स जो आते हैं, बायर्स बायर्स क्यों आते हैं? अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और सेलर्स आते हैं पैसे कमाने के लिए, सेलर्स काय के लिए आते हैं? पैसे कमाने के लिए, समझा यहां पे? ठीक है, ओके, यहां तक हमारा पूरा डिस्कशन हो गया था। आई एम रबिंग ऑल दिस क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है, उस दिन अगर नेक्स्ट डे लेक्चर होता तो चलता, यहां तक हम लोगों का डिस्कशन हो गया था। अब यहां से आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्या क्या हम लोगों ने देखा? हमने देखा डिमांड के बारे में, फटाफट फटाफट फटाफट, आपके पास अगर ये सॉफ्ट कॉपी है तो अच्छी बात है, हार्ड कॉपी है तो ये चीजें मार्क करना शुरू करो। हमने देखा डिमांड के बारे में, डिमांड मतलब क्या, एक सेकेंड, डिमांड तीन चीजों से बना होता है। पहला, कंज्यूमर की होनी चाहिए कैपेसिटी। बेटा बायर को एक नया नाम भी दिया है, कंज्यूमर। सर आप बहुत मस्ती करके पढ़ाते हो, बेटा आप कभी क्लास में आना या मेरी पास्ट बैचेस को पूछना, थैंक यू वेरी मच आयुष भैया, ओके कोई मुझे लव यू बोले तो मैं उसको भैया या दीदी बोलूंगा, ओके थैंक यू वेरी मच। हाँ चलो, सो डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल जिसमें, अरे यार एक सेकेंड रुको,
मेरे फोन को भी सेंड नहीं हो रहा है तुम्हारा लव यू। मजाक कर रहा हूँ, मेरे फोन को पता है मुझे कोई लव यू नहीं बोलता है। ओके नहीं नहीं कुछ भी बोल सकते हो, डोंट वरी। अरे भाई मैं दिख रहा हूँ कि नहीं? दिखना तो चाहिए। मैं किधर है, किधर है? हाँ दिख रहा हूँ मैं। बंद हो जा मेरे भाई, मेरा वेबकैम। ओके तो वंस अगेन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, वीडियो गई आपकी बट आ गई ना वापस। ऐसा मत कर भाई। तो डिमांड में कुछ चीजें, ये चीज लिख लो, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, बट डिमांड इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स। डिमांड इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स। पहला कैपेसिटी होना चाहिए, मैं कुछ खरीदना चाहता हूं तो मेरे पास उस चीज को खरीदने की कैपेसिटी होनी चाहिए, प्लस मेरे को उस चीज को खरीदने की डिजायर होनी चाहिए, और उसकी जो प्राइस है, प्राइस, एक सेकेंड रुको। आ रही क्या आवाज? इसको खरीदने की कैपेसिटी होनी चाहिए, प्लस मेरे को उस चीज को खरीदने की डिजायर होनी चाहिए, और उसकी जो प्राइस है, प्राइस। आ रही मेरी आवाज? क्या हुआ मेरी आवाज को? ठीक है मैं भेज दूंगा बेटा, ये सीएस इंस्टीट्यूट की नोट्स है, सीएस की वेबसाइट पे भी मिलती है, और मैं आज के आज इस लेक्चर के बाद ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ओके सो पहली बात, कैपेसिटी होनी चाहिए किसी भी चीज को परचेज करने की। किसी भी चीज को परचेज करने की क्या होनी चाहिए? कैपेसिटी। अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आगे की दो चीजें, आपको कुछ खरीदना है तो मेरे को ये अज्यूम, बेटा आप अगर मेरी शॉप में आए हो, अब मेरी शॉप में कोई भी चीज खरीदने आया, सपोज उसकी वैल्यू 5,000 है, तो मेरे को पता है आपके जेब में 5,000 है, मतलब मैं कैपेसिटी नहीं देखूंगा। मेरे को दो चीजें जाननी है, पहला मुझे ये देखना है कि आपको मेरा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, मतलब आपको डिजायर है क्या, और उसकी जो प्राइस है उतनी प्राइस आप पे करने के लिए रेडी हो, उतनी प्राइस आप पे करने को रेडी हो। समझा यहां पे? तो थ्री थिंग्स मेक अप द डिमांड। फिर हमने देखा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि अगर किसी भी चीज का भाव बढ़ेगा, सॉरी किसी भी चीज का भाव कम होगा, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट विल राइज। ठीक है, ओनली इन केस ऑफ गर्ल्स इसका उल्टा होता है, जो लड़की भाव ज्यादा खाती है उसका डिमांड भी ज्यादा होता है, लोग उसके पीछे भागते रहते हैं। आप तो नहीं ऐसा करते होंगे बट कुछ लोगों को मैं जानता हूं, यार लड़की भाव नहीं दे रही और ये मैसेज पे मैसेज डाले जाते हैं उसको, तो दिस इज एन एक्सेप्शन, दिस इज एन एक्सेप्शन, दिस इज नॉट लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि ये इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं है, ये इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं है, मतलब यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, पैसा इन्वॉल्व नहीं मतलब ना आप कुछ खरीदने जा रहे हो, ना कोई कुछ बेचने आ रहा है, ये मार्केट नहीं है, डिमांड उस लड़की की इमोशनल नीड्स के लिए आपको, कि काश ये लड़की मुझसे प्यार करे। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? सो इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं है लड़की के केस में, बट यहाँ पे ठीक है ध्यान दो, अगर किसी चीज का भाव कम होगा तो उस चीज की डिमांड बढ़ेगी, और बहुत लॉजिकल है, मैं मार्केट में गया कुछ चीज खरीदने के लिए, आप मार्केट में जाओ कुछ चीज खरीदने के लिए, मम्मी ने आपको बोला एक यूनिट खरीद के ला बेटा, उसका एक यूनिट खरीदने को बोला, मम्मी ने बोला 100 रुपए का आता है, ओके वन यूनिट के लिए आपको 100 रुपीज लगने वाले थे, उस दिन आप मार्केट में जाते हो, सेलर आपको बोलता है भैया आज एक ऑफर है, आज एक ऑफर है, 1 यूनिट लोगे तो 100 में, 2 यूनिट लोगे ना तो 150 में ही पड़ेगा। आप सोच रहे हो यार आज एक यूनिट खरीद लू 100 रुपए का पड़ेगा, 4 दिन बाद फिर से मुझे एक और यूनिट खरीदना पड़ेगा, फिर से 100 रुपए का पड़ेगा, एक काम करता हूं आज ही खरीद लेता हूं 2 यूनिट, अगर मेरे पास है 150 रुपए जेब में तो मैं खरीद लेता हूं, मतलब इमीडिएटली देखो जैसे ही, मतलब यहां पे ध्यान दो, इधर यहां पे क्या हुआ, 1 यूनिट आप बाय कर रहे हो, 1 यूनिट आप बाय कर रहे हो तो आपको 100 रुपीज पे करना पड़ रहा है टोटल, और अगर आप 2 यूनिट बाय करते हो तो आपको 150 रुपीज पे करना पड़ता है टोटल, इसका मतलब इन दिस केस 1 यूनिट आपको सिर्फ 75 रुपीज का पड़ रहा है,
So the price of one unit is going down in this case. Immediately you go and buy two units. पर यूनिट प्राइस कम हुई कि आपने दो यूनिट खरीदे. मैं नहीं बोल रहा हूँ सब लोग खरीदेंगे. कुछ लोग बोलेंगे सर हमको एक यूनिट भी पूरा नहीं चाहिए, आप डिस्काउंट देके फायदे नहीं, हम दो यूनिट खरीदना नहीं चाहते. ऐसे लोग भी होते हैं, बट बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे कि ठीक है सर एक की जगह दो खरीद लेते हैं. मैं और मेरे फ्रेंड्स हम मॉल जाते थे, मॉल जाते थे. मैं मेरे रूममेट्स जब मैं पढ़ता था मेरे रूममेट्स के साथ रहता था, हम मॉल जाते थे. वन जींस बाय करो 30%. अरे वन जीन्स बाय करो 30% ऑफ, दो जीन्स बाय करो 40% ऑफ, तीन जीन्स बाय करो 50% ऑफ. बेटा एक जीन्स है 1000 रुपए की, एक जीन्स है 1000 रुपए की. तो अगर मैं अकेला जाके एक जीन्स खरीदूं तो 1000 की जीन्स पे 30% मतलब 300 रुपए डिस्काउंट मिलेगा मुझे, वो 700 में मिल रही थी. दो जीन्स पड़ती है 2000 की, बट उस पर डिस्काउंट भी मिलता है 40% मतलब 800 रुपीज का डिस्काउंट. मेरा कैलकुलेशन अच्छा है, मुझ पे भरोसा रखो. दो जीन्स 2000 की थी, 40% ऑफ मतलब 800 रुपए ऑफ हो गया. हमें 1200 में दो जीन्स पड़ रही है, 1200 में दो जीन्स मतलब एक जीन्स 600 रुपए की. मेरे 100 रुपए बच जाएंगे, मेरे दोस्त के 100 रुपए बच. मुझे खरीदना है कि जीन्स है, बट मैं मेरे दोस्त को साथ में लेके जाऊंगा, ये चल रहा मेरे साथ, तू भी एक जीन्स ले, मेरे 100 रुपए बच जाएंगे. तीन जीन्स खरीदे 1500 रुपए में, ध्यान दो, तीन जीन्स के होते 3000 रुपए. मैं हम तीन लोग, तीन दोस्त जाते हैं, मुझे भी एक जीन्स खरीदना है, मेरे एक रूममेट को एक जीन्स, मेरे दूसरे रूममेट को दूसरी जीन्स, मतलब हम तीनों को एक एक जीन्स खरीदना है. अकेले अकेले जाते तो 700 में मुझे एक जीन्स मिलती, 700 में उसको एक जीन्स मिलती और तीसरे को भी 700 में एक जीन्स मिलती. तीन जीन्स का 1000 रुपए से 3000 रुपए होता है, 50% डिस्काउंट मिला, हमने पे किया 1500 रुपए. हम तीन जीन्स लेके आ गए By paying 1500 rupees, एक जीन्स हमें पड़ी 500 रुपए में. तो नेचुरली जब प्राइसेस कम हो रही है, हम उसकी डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं. भले ही मैं अकेला तो एक ही जीन्स खरीद रहा हूं, बट जहां मुझे एक जीन्स खरीदनी थी, मैंने अपने दो दोस्तों को कन्विंस किया कि चलो ना यार जीन्स खरीदते हैं, और उनको भी जीन्स खरीदने लगाई. मैं अकेला जाता तो एक जीन्स खरीद के लाता, मैं दोस्तों के साथ गया और हमने तीन जीन्स खरीद ली. दैट इज व्हाट दिस लॉस इज. बट इस लॉ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, क्योंकि डिमांड सिर्फ प्राइस पे डिपेंडेंट नहीं होती. ठीक है, डिमांड, इसका एक अच्छा एग्जांपल दूंगा, प्लीज कोई ऑफेंड मत होना. मेरे एग्जांपल्स बहुत ऐसे ही है, ऑफेंड मत होना. आई नेवर बी जेंडर बायस्ड, मैं जेंडर बायस्ड नहीं हूं, लड़कों की लड़कियों की इक्वल इज्जत करता हूं, मैं सबकी इज्जत करता हूं, हर एक का अपना रोल है जिंदगी में. लड़कियां भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी लड़के हैं, एक्चुअली लड़कियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है दुनिया में लड़कों से. ठीक है, बट अब सुन लो, इतनी तारीफ कर लिए तो समझ जाओ कि हां कुछ तो बोलने वाला हूं. ठीक है, तो अब हम तो बोल रहे अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये है मिस ए, ये है मिस बी. मिस ए ऐसी है कि सर आप उसको देखते रह जाओगे, बस देखते रह जाओगे. आय हाय इतनी मस्त है, क्या क्वालिटी. ठीक है, आप इसको देखते रह जाओगे. ठीक है, प्लीज ध्यान दो, आप इसको देखते रह जाओगे सर, बट प्रॉब्लम क्या पता है क्या सर, बहुत भाव करती है, बहुत भाव करती है ये, बिल्कुल भाव देती नहीं सर. अब इसको 100 मैसेज डालो तो शायद आपको एक बार रिप्लाई कर दे. दिस इज मिस ए. ठीक है, तो मिस ए की वैसे डिमांड ज्यादा है या कम है वो छोड़ दो, हम अभी बात कर रहे हैं मिस बी के बारे में. सर मिस बी बहुत अच्छी है, दिल से बहुत अच्छी है. ठीक है, बट सर बालों में ना, बालों में बहुत ज्यादा तेल लगा के आती है. ठीक है, सीधा साधा चश्मा पहनती है, बालों में तेल लगाती है, सीधा साधा चश्मा पहनती है, और ये सबसे बात करती है. मतलब आप इससे फ्रेंडशिप करना चाहो तो ये आपसे दोस्ती कर लेगी, ये जरा भी भाव नहीं करती. ठीक है, ये बिचारी जरा भी, बहुत अच्छी लड़की है ये. मैं मिस ए को नाम नहीं रख रहा हूं, मिस ए भी अच्छी है, मिस बी भी अच्छी है. ठीक है, मिस बी जरा भी भाव नहीं खाती है, बट सर जस्ट बिकॉज उसको वो भाव नहीं खाती है तो हम उसको क्या तुरंत शादी के लिए प्रपोज कर दे. मे बी यस मे बी नो. इसका मतलब जस्ट बिकॉज कोई चीज भाव नहीं खाती इमीडिएटली उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है. मतलब सर जस्ट बिकॉज वो भाव नहीं खाती है तो इमीडिएटली उसकी बहुत डिमांड होगी और सब लड़के उसके पीछे भाग रहे, ऐसा नहीं है.
सर प्राइस के अलावा भी बहुत चीजें होती है, ठीक है, ये दिल से अच्छी है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा, ये दिखने में अच्छी है कि नहीं शायद वो देखना पड़े या ना देखना पड़े, हर एक की अपनी चॉइस हो। तुम सलमान खान दिखते हो, तुम आमिर खान दिखते हो, तुम विकी कौशल दिखते हो तो शायद तुम लुक्स देखो लड़की के, तुम कुछ जॉनी लीवर दिखते हो वो अच्छे नहीं दिखते, ऐसा नहीं, बट वो हीरो नहीं है ना, कॉमिक एक्टर है, ठीक है, या तुम कोई और विलेन की तरह दिखते हो, साउथ इंडियन विलेन जो होते हैं एकदम ऐसे मस्त वैसे दिखते हो तुम, तो ऑब्वियसली तुमको पता है कि कोई अच्छी दिखने वाली लड़की हमें शायद भावना दे। सो थिंक ऑफ इट, थिंक ऑफ इट, जस्ट बिकॉज किसी चीज की प्राइस बहुत कम है इमीडिएटली हम जाके खरीदते खरीदते, ऐसा नहीं है। सो सर डिमांड सिर्फ प्राइस पे डिपेंड नहीं होती, डिमांड बहुत सारी चीजों पे डिपेंड होती है। पहली चीज इसमें से है इनकम। इनकम अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है तो नेचुरली चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी, फिर मैं प्राइस नहीं देखूंगा। जैसे मिस्टर अंबानी बहुत पैसे वाले, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस बहुत पैसे वाले हैं, तो ये डिमांड किसी भी चीज की कर सकते हैं। एक सेकंड रुको, सब तैयारी है, डोंट वरी। ओके ठीक है, आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो भी डिमांड, मतलब किसी चीज की प्राइस पहले 100 रुपए थी, अभी भी 100 रुपए है, जस्ट बिकॉज पहले मैं उसके 10 यूनिट्स बाय करता था, मेरी इनकम बढ़ गई, अब मैं उसके 12 यूनिट्स बाय करता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो डिमांड आपकी इनकम पे भी डिपेंड है, डिमांड प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी डिपेंड है, डिमांड प्रोडक्ट के यूज पे भी डिपेंडेंट है। वो चीज अगर मेरे लिए बहुत जरूरी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कोविड के वक्त कुछ कुछ मेडिसिन ऐसी थी जो बहुत महंगी हो गई थी, बट वो जरूरत थी, तो महंगी भी हुई तो भी उसकी डिमांड कम नहीं हो रही थी, समझा। डिमांड टाइम पे डिपेंड करता है, किसी चीज की डिमांड उसके टाइम आने पे पड़ती ही है सर, हमको वो तब के तब खरीदनी ही पड़ेगी, समझा कि नहीं समझा। सो डिमांड वैसे बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, बट लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ प्राइस एंड डिमांड की बातें कर रहा है, लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ प्राइस एंड डिमांड की बातें कर रहा है, कि जब जब प्राइस बदलेगा तब तब डिमांड के साथ क्या होगा, तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। आपकी इनकम नहीं बदली, आपकी चॉइसेस नहीं बदली, प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं बदली, आपका यूज नहीं बदला, सब कुछ वैसा है। अगर सब कुछ वैसा है, मेरी इनकम भी सेम है, मैं पहले भी 1,000 रुपए कमाता था, आज भी 1,000 रुपए कमाता हूँ, प्रोडक्ट की क्वालिटी में चेंज नहीं है, प्रोडक्ट पहले भी वैसा था आज भी वैसा है, प्रोडक्ट के यूज में भी चेंज नहीं है, पहले जिस चीज के लिए यूज करता था आज भी उस चीज के लिए यूज करता हूँ, बट प्रोडक्ट पहले 100 रुपए का था, पहले 100 रुपए का था, अब 70 रुपीज का हो गया। अच्छा अच्छा समझ गया, ये वाला क्वालिटी समझ गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट 100 रुपए से 70 रुपए पे आ गया, तो मैं शायद थोड़ा ज्यादा खरीद लू, समझा कि नहीं समझा, शायद मैं थोड़ा ज्यादा खरीद लू क्योंकि वो मेरे लिए सस्ता पड़ रहा है, आज फ्यूचर में मुझे खरीदना ही पड़ेगा। जैसे मैं बिग बाजार चला गया, जैसे मैं चला गया बिग बाजार, ठीक है, मम्मी ने बोला सर्फ एक्सेल ले गया, सर आपकी मम्मी आपको काम बोलती है, बेटा बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, मैं खुद ही काम कर लेता हूँ, ठीक है, मैं चला गया सर्फ एक्सेल लेने, मुझे मालूम है कि हर महीने हमें वन मंथ वन ए भाई वन मंथ का नहीं, हर महीने हमें 1 kg सर्फ एक्सेल लगता है, समझा यहाँ पे, ठीक है, 1 kg सर्फ एक्सेल सपोज 250 रुपीज का था, वहां पे गया, वहां पे ऑफर था कि 2 किलो सर्फ एक्सेल लेके जाओ 350 रुपए में। मैंने शांति से सोचा कि चीज तो वही मिल रही है, चीज भी सेम मिल रही है, यूज भी सेम है, मेरी इनकम भी चेंज नहीं हुई बट प्राइस कम हो गई, तो अगले महीने की सर्फ एक्सेल इसी महीने खरीद लेता हूं क्योंकि मेरे में सस्ता पड़ रहा है, तो दैट इज हाउ डिमांड विल इंक्रीज, बस ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं, इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, प्राइस अगर बढ़ गए तो क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्लाइन, पेट्रोल इज द बेस्ट एग्जांपल, मैं खुद इसका शिकार हूं अभी। एक जमाना था बच्चों में 70 रुपीज लीटर से पेट्रोल लिया करता था, और ये जमाना ऐसा नहीं कि जमाने भर पुराना है बच्चों, मैंने वैसे 32 रुपीज पर लीटर वाला पेट्रोल भी देखा है, खरीदा नहीं है, मेरे नाना खरीदते थे, उनके साथ में पेट्रोल पंप पे जाता था जब मैं बहुत छोटा था, 32 रुपीज लीटर का था पेट्रोल जब मैं छोटा था, वहां से 32 रुपीज लीटर पेट्रोल से मैं कहां तक पहुंचा हूं, मैंने 70 तक देखा, मैं खुद अपनी गाड़ी में 70 से भरवाता था, 2 इयर्स के अंदर ये 70 से पहुंच के 110 हो गया, मैंने अपना घूमना कम कर दिया, मैंने पेट्रोल बाय करना कम कर दिया, जहां पे जरूरी है उधर ही जाता हूँ, बाकी मैं पेट्रोल बाय तक नहीं करता, समझा यहाँ पे। तो जब किसी चीज की प्राइसेस बढ़ जाएगी, बट मेरी इनकम नहीं बढ़ी, हाँ मेरी इनकम बढ़ जाती तो फिर मुझे पेट्रोल की प्राइसेस का फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले जितना घूमता था उतना ही घूमूंगा क्योंकि मेरे पास पैसे ज्यादा है,
बट मेरी इनकम बड़ी नहीं है, मेरी इनकम होती है, सब होता है, तो जैसे ही प्राइसेस बढ़ गई डिमांड कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में है कौन सा पवित्र रिश्ता, इनवर्स पवित्र रिश्ता भाई बहनों वाला। समझा यहाँ पे बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन है। मतलब बाकी सारी चीजें अगर इक्वल है तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी मोर एट लोअर प्राइसेस देन एट हायर प्राइसेस। और हमने ये देखा था, देखो अगर किसी प्राइस चीज की प्राइस जीरो है तो वैसे तो उसकी डिमांड अनलिमिटेड होनी चाहिए, बट आपके समझने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई चीज में फोकट में बांट रहा हूं तो 1600 लोग आएंगे उसे लेने के लिए, क्योंकि शायद यहाँ का पॉपुलेशन ही उतना है, नीड ही उतनी है। समझा कि नहीं समझा? पक्का। बट सर मैं उसको 10 रुपए कर दूं तो 1400 लोग ही उसे बाय करेंगे, मैं उसे 20 रुपए कर दूं तो, क्योंकि क्या है कुछ लोग उसे 10 रुपए में अफोर्ड कर पा रहे हैं, मैं उसे 20 रुपीज कर दूं तो देर आर 200 पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट एट 20, 1200 लोग फिर भी खरीद पाएंगे। ऐसे मैं 10 रुपए बढ़ा रहा हूँ तो दो से मेरे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ऐसा हर बार नहीं होता है, प्लीज ध्यान दो इधर। ऐसा जरूरी नहीं है कि 10-10 से ही बढ़ेगी प्राइस, नहीं 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 नहीं, 0 से 5 भी हो सकती है, 5 से 15 भी हो सकती है, और 15 से 500 भी हो सकती है, कैसे भी बढ़ सकती है प्राइस। ये आपको समझाने के लिए कि अगर सपोज प्राइस 10-10 से बढ़ रहा है तो डिमांड 200 से कम हो रही है। समझा यहाँ पे? ऐसा एग्जैक्ट ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल है। तो देखो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है मोर एंड मोर पीपल विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट। कुछ लोग जो चीज 10 में खरीद सकते हैं वो 15 में नहीं खरीद सकते। सर अगर ये 10 का मिला तो हम खरीद लेंगे, हम इसे 15 में नहीं खरीद पाएंगे, और वो 20 हो गई है तब तो हम पक्का नहीं खरीद पाएंगे, कुछ लोग 20 में खरीद पाएंगे, बट अगर 30 हो गई तो वो कुछ लोग 30 में नहीं खरीद पाएंगे, वो पीछे हट जाएंगे, डिमांड कम होती जाएगी। समझा? पक्का? सर खरीद पाएंगे, शायद विलिंगनेस कम हो गई, सर वो चीज 30 रुपए में मैं तो खरीद लूंगा, मेरे पास 500 रुपए जेब में, मेरे पास जेब में 500 रुपए, बट मेरे को लगता है 30 रुपए की है तो ठीक है, वो चीज अगर 50 की है ना तो बहुत महंगी है सर, 20 रुपए ऊपर कौन देगा मेरे को नहीं खरीदने का। मतलब इट इज नॉट दैट कि मेरी औकात नहीं है, इट इज नॉट दैट कि मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, मेरे को खरीदना भी है, मेरी कैपेसिटी पर इतना पैसा देने की इच्छा नहीं है। ये कब होता है पता है? ये कब होता है? जैसे मुंबई में हुआ था मेरे साथ, ठीक है। अब बच्चों मैं पुणे में घूमने वाला बंदा, पुणे में अगर मैं कभी ओला या उबर कैब करता हूँ ना तो 300 रुपए के ऊपर बहुत हार्डली मैंने कभी पे किया है, मेरे लिए 300 भी बहुत ज्यादा हो जाता है यार इतना, क्योंकि पुणे में कैसा है ना मेरे पास गाड़ी वाड़ी भी है, बाइक पे अगर यहाँ से वहां जाना है तो 100 का पेट्रोल लगेगा, ये कैब वाला 300 मांग रहा है, बड़ा बारिश है कुछ है तो चलो कैब में चले जाते हैं। मुंबई में मैं गया उतने ही डिस्टेंस के लिए ये लोग 600 से 800 रुपए मांग रहे थे, मैंने अपने दोस्त को बोला भैया अपन लोकल से जाएंगे, मैं ट्रेन से सफर करेगा बट मेरे लिए ये वर्थ नहीं है। मेरा फ्रेंड बोलता है जो मुंबई में ही रहता है बचपन से, बोलता है 800 रुपए ठीक है ना, मैंने बोला पागल हो गए 800 रुपए में मैं ट्रेन से दिल्ली पहुंच जाऊं, आपको पता नहीं होगा तो मुंबई से दिल्ली की टिकट भी 800 रुपए नहीं होगी ट्रेन की, सेकंड क्लास नॉर्मल स्लीपर वाली, थिंक ऑफ इट। समझना? सो ये बात नहीं कि मेरे जेब में 800 रुपए नहीं थे, मेरे पास 800 रुपए उतने तो रहेंगे ना, मैं मुंबई में था, मेरे पास 800 रुपए थे, बट आई वाज नॉट विलिंग टू पे दैट, कैपेसिटी थी, चाहिए भी था मेरे को कैब से जाना, बट उसके लिए मैं 800 नहीं पे करूंगा, सो डिमांड कम हो गई। अगर ये 400 रुपए तक बोलते तो शायद मैं दे देता कि चलो पुणे में अपन इतने डिस्टेंस के 300 पे करते हैं, बड़ी सिटी में आया है, पुणे इज ऑल्सो वेरी बिग, बट ठीक है चलो मुंबई वालों ठीक है बढ़िया तुम्हारी थोड़ी और बढ़ी है, तो मैं बोलूंगा चलो 400 रुपए। एक्चुअली मुंबई बड़ा वैसे नहीं है, साइज में तो पुणे ही बड़ा है, बट क्या है ना मुंबई में डिमांड ज्यादा होती है। ओके तो ये था द लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज फंक्शनल रिलेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज फंक्शनल रिलेशनशिप। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट डिमांड, बेटा ये मैथ्स है, तुम टाइम मत टेंशन मत लो, मैं सिखा दूंगा तुम लोगों को। इट मींस दैट डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। सर डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस का मतलब सिखाओगे आप? यस ऑब्वियसली मैं सिखाऊंगा, उसके लिए बैठे हम लोग। इनका बोलना है कि डिमांड और डिमांड ये चेंज होती है, बट ये जो इसका जो चेंज है ये प्राइस की चेंजेस पे डिपेंडेंट है। डिमांड जो होती है वो क्या हो जाती है बच्चों? चेंज तो होती है, बट इसका जो चेंज है वो किस पे डिपेंडेंट है? प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है। सर मतलब डिमांड इज अ वेरिएबल, द चेंज वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू चेंज होगी, बट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिमांड डिपेंड्स ऑन द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी।
इस पे से पता चलता है कि ये भाई साहब जो है ये इंडिपेंडेंट है और ये भाई साहब जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। दो तरीके के होते हैं, वेरिएबल मतलब दोनों की वैल्यू चेंज होने वाली है, एक अपनी मर्जी से बदलता है, एक फर्स्ट वाले के डिपेंड करता है, मतलब डिमांड प्राइस पे डिपेंड करता है। सो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, को कैसे पढ़ोगे आप, डिमांड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, ऐसा पढ़ा जाता है इसको, डिमांड डिमांड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। ओके एवरीवन अंडरस्टूड, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, दिस इज द रिलेशन, यही लॉ ऑफ डिमांड है मैथमेटिकली। ये क्या है, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस्ड एज एन इक्वेशन, मैथमेटिकली लॉ ऑफ डिमांड को ऐसा दिखाया जाता है कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अमंग वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, सिर्फ पैसों पे डिपेंड नहीं करती, डिमांड बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। कौन है भाई साहब ये लिनेट ऑसबोर्न, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट बट इट्स ओके, आई डोंट थिंक शी इज फ्रॉम हियर और ही इज फ्रॉम हियर, आई डोंट नो ही और शी, लेट्स गो आगे, ठीक है। चलो इधर, द लॉ ऑफ डिमांड विल बी ओके, ठीक है। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, अमंग वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर। देखो मेरी इच्छा पे डिपेंड है मैं कौन सी चीजें बाय करूंगा, मेरी इच्छा यूजेस, बट एट द एंड ऑफ द डे प्राइस मैटर करती है। कोई चीज मुझे बहुत पसंद है, एग्जाम में सर फॉर्मूला पूछेंगे, पूछ सकते हैं, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हमेशा याद रखो। अच्छा ये फॉर्मूला को एक छोटा सा समझ लो, इन्होंने बोला है डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स, बेटा एक्स यहां पे कमोडिटी है, डिमांड ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, समझा, एक्स की जो प्राइस है उस पे डिपेंड करता है एक्स की जो डिमांड है, समझा पक्का एवरीवन, एक्स यहाँ पे कमोडिटी है। तो क्या क्या लिखोगे आप, डी इज द डिमांड, पी इज द प्राइस, एफ इज द फंक्शन, एक्स इज द कमोडिटी, समझा यहाँ पे। दस डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज मेनली डिटरमाइंड बाय द प्राइस, सर लॉ ऑफ डिमांड में बाकी फैक्टर्स को क्यों कंसीडर नहीं किया, सर ग्रीड की चॉइसेस पे डिमांड डिपेंड करती है, मुझे जो पसंद है मैं वही खरीदूंगा, मुझे जो अच्छा लगता है वही खरीदूंगा, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं प्राइस जरूर देखूंगा। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था और ये है लॉ ऑफ डिमांड का कर्व जो आपको याद रखना पड़ेगा। आई थिंक दिस विल बी द लास्ट डिस्कशन फॉर टुडे, ठीक है आज के दिन के लिए लास्ट, कल से हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, फटाफट आगे बढ़ाएंगे, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये जो है मैं इसको वापस अपने साथ बना रहा हूँ, ठीक है मेरे पास केले, वाओ तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास केले, अरे हे मेरे भाई 89 ने मेरे को 90 चाहिए, ठीक है अब ध्यान दो इधर, वेरी बैड, वेरी शेकी हैंड्स आया, ठीक है ध्यान दो इधर, ये मेरा एक्स एक्सिस, वो है मेरा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ले ली है, एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड ले ली है। अब आप सबको भी पता है इधर होता है जीरो, समझा कि नहीं समझा, एक्स एक्सिस पे इस डायरेक्शन में जाओगे तो ज्यादा होता है, y एक्सिस पे इस डायरेक्शन में जाओगे तो ज्यादा होता है, समझा यहाँ पे। अब ऊपर वाला ही टेबल ले लो बच्चों, ऊपर वाला टेबल, जब प्राइस जीरो है डिमांड 1600 रुपए है, वेरी गुड, प्राइस जब जीरो है डिमांड है 1600 रुपए, एक्स एक्सिस पे 1600 यहाँ पे होगा, अगर जीरो यहाँ पे तो जीरो से 1600 राइट की तरफ जाओगे तो आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। और लास्ट जब 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 प्राइस 80 है तो डिमांड जीरो है, जब प्राइस क्या है 80, यहाँ पे ले लो 80, बेटा क्यों, एक बात समझो, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये है 0.80, ये जो पॉइंट है ना, अरे 0.80 मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 80 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1600.0, समझा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट इज द डिमांड, वाई कोऑर्डिनेट इज द प्राइस,
तो देखो जब डिमांड कब जीरो है, जब प्राइस 80 है, डिमांड कब 1600 है, जब प्राइस जीरो है, समझा? तो सेकंड वाली प्राइस है, फर्स्ट वाला डिमांड है, हमेशा याद रखो, सेकंड वाली प्राइस है, फर्स्ट वाला डिमांड है, ठीक है। अब आगे जाते हैं, जब प्राइस 80 से गिर के 60 पे आ गई तो ऊपर जाके देखो क्या हुआ, अरे बहुत ऊपर चला गया, प्राइस 80 से गिर के 60 पे आ गई तो डिमांड जीरो से बढ़ के 400 पे चली गई। अब कुछ चीजें समझो बच्चों, ये वाई एक्सिस है, इस पे ऊपर जाना मतलब बढ़ता है तो नीचे आना मतलब कम होता है, वाई एक्सिस पे नीचे आना मतलब इट इज रिड्यूसिंग, कम हो रही है प्राइस। तो जब 80 से आप 60 पे आ गए तो उन्होंने क्या बोल दिया, डिमांड जो थी, डिमांड बच्चों 80 पे डिमांड कितनी थी, 80 पे जो थी डिमांड 1600 की नहीं थी, डिमांड जीरो की थी। 80 से आप 16 पे आ रहे हो तो डिमांड जीरो से 400 पे जा रही है, डिमांड जीरो से 400 पे चली गई, 400, ठीक है। एक्स एक्सिस पे राइट में जाना इज इंक्रीज, एक्स एक्सिस पे राइट में जाना इज इंक्रीज, तो देख लो इस सबको, समझा? तो बेटा जब प्राइस 60 है डिमांड 40 है, पॉइंट इधर आएगा, ओके। जब प्राइस 60 है डिमांड 40 है, पॉइंट इधर आएगा। फिर हम प्राइस 20 पे जाते हैं ऊपर, प्राइस जब 20 है मतलब 60 से नीचे 20 पे आ गए तो डिमांड 400 से बढ़ के 1200 पे चली गई, प्राइस जब 60 से नीचे 20 पे आ गई तो डिमांड 400 से बढ़ के ऑलमोस्ट 1200 हो गई, तो ये वाला पॉइंट इधर आएगा। और फिर जब तुम इन सब को जोड़ोगे, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, जब तुम इन सब को जोड़ोगे तो ऐसा दिखेगा, अंडरस्टूड? तो डिमांड इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा हम कर्व जो है ना लेफ्ट टू राइट देखते हैं, हम कर्व को, ये कर्व है भले ही इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इवन दो इट इज अ स्ट्रेट लाइन यू कॉल इट एज अ कर्व, इवन दो इट इज विच लाइन, स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉल्ड एज अ कर्व। और ये कर्व हमें रिलेशन दिखा रहा है प्राइस और डिमांड के बीच में, सो दिस इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व। ये कर्व हमें रिलेशन दिखा रहा है प्राइस और डिमांड के बीच में, सो ये एको हो रहा है मेरा आवाज, एको हो रहा है मेरा आवाज, इको हो रहा है या नहीं, नहीं। मैं सुन नहीं सकता, मैंने म्यूजिक चालू किया है, मैंने मेरा वॉल्यूम बढ़ा दिया तो वापस इधर पीछे पीछे मेरा वॉल्यूम आता रहेगा। अब आ रही है कि मेरी आवाज अच्छे से, अब आ रही है कि मेरी आवाज अच्छे से, अब आ रही है मेरी आवाज, ठीक है। तो इवन दो डिमांड इज अ स्ट्रेट लाइन, वी कॉल इट एज अ कर्व, वाई कर्व, बिकॉज ये प्लॉट किया है हमने एक्स और वाई एक्सिस पे, तो डिमांड कर्व है। और हमेशा याद रखो कर्व का स्लोप जो होता है, कर्व का स्लोप वो लेफ्ट, कर्व का स्लोप जो होता है वो लेफ्ट टू राइट देखा जाता है। और अगर आप, अरे अरे अरे, अगर आप गौर से देखोगे तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, सो कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ये वाला कर्व कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ओके। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज सर, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व का मीनिंग होता है कि इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व का मतलब होता है कि जो दो चीजें आपने ली है, कौन सी दो चीजें, पीक फॉर प्राइस
डी फॉर डिमांड, इनके बीच का रिश्ता इनवर्स है। सर ऐसा क्यों? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व सीधा सीधा बता रहा है एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व सीधा सीधा ये बता रहा है कि सर एक जब कम होता है तो दूसरा बढ़ते जाता है। समझा यहां पे? ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। दिस वाज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। अच्छा, डिमांड कर्व पे कौन सी दो चीजें होती है? प्राइस एंड क्वांटिटी। एक एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ले ली, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ले ली, तो एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी ले रहे हैं। और इनके बीच में क्या पता है हमें? एक कम होता है तो दूसरा बढ़ते जाएगा। इनके बीच में हमें क्या पता है? एक कम होगा तो दूसरा बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो एक जब कम हो रहा है दूसरा बढ़ते जा रहा है, इसलिए कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इस कर्व को क्या नाम दिया गया है? इस कर्व को क्या नाम दिया है? डिमांड कर्व। इट शोज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये कर्व बनता है बिकॉज ऑफ, ये कर्व बनता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। यस वैष्णवी बेटा, आज के लिए बस करो। ऐसा मैंने पहली बार सुना है कि कोई ऐसा बोल रहा है, बट ठीक है, चलो फर्स्ट डे है। कल हम लोग देखने वाले अजम्पशंस टू लॉ ऑफ डिमांड। सो मिलते हैं कल, 4 या 5 में डाल दूंगा ग्रुप पे, डोंट वरी। ओके, सी यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, टाटा, बाय बाय। Bye everyone. Thank you Shiva, thank you Ayush. Bye Vaishnavi, bye Shiva, bye Ayush. Or koi hai to tata.